इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के जक्सन स्थित खुसरूबाग में। आज हम दोस्तों आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे प्रयागराज स्थित खुसरूबाग का। यहाँ इतिहास से जुड़ी बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसका आज हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, और खुसरूबाग से संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं जो आपके सामने हम साझा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में, और लेकर चलते हैं हम सीधा खुसरूबाग के अंदर और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा और यहाँ का माहौल और इतिहास से जुड़ी जो यहाँ की इमारतें हैं, धरोहरें हैं, उन सारी गतिविधियों का अवलोकन हम आपको करवाएंगे। तो आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए, सीधा लेकर चलते हैं हम आपको खुसरूबाग के अंदर और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। जैसे ही गेट से आप एंट्री करते हैं तो अंदर ये आपको एक की प्लान आप खुसरूबाग मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खुसरूबाग का पूरा प्लान दिखाया गया है कि कौन सी जगह किस जगह पर बने हैं, एक प्रकार से मैप बनाया गया है। जैसे ही आप गेट से अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि शिलाओं में कुछ वैधानिक चेतावनी यहाँ पर लिखी गई हैं। क्या लिखी गई है आप देख सकते हैं, वैधानिक चेतावनी, इस परिसर में फूल पत्ती व फल तोड़ना तथा वनस्पति राजकीय संपत्ति को हानि पहुंचाना एवं परिसर में पालतू जानवर लाना सख्त मना है। पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का आर्थिक दंड अथवा आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही कर दी जाएगी। आज्ञा से मुख्य उद्यान विशेषज्ञ औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरूबाग प्रयागराज। तो जब भी यहाँ पर घूमने आए दोस्तों तो कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे कि आपको इस तरह का जुर्माना भुगतना पड़े। तो आइए चलते हैं हम आगे और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ का नज़ारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिखाते हैं क्या है नज़ारा खुसरूबाग का। और ये अब हम उस जगह पर आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ पर जहांगीर के बेटे खुसरू सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित हैं। तो वहाँ पर हम लेकर चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि कैसा है मकबरा। यहाँ पर जो ऐतिहासिक गतिविधियाँ हैं, तो ऐतिहासिक गतिविधियों की अगर बात करें तो ऐसी कौन सी यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें व ऐतिहासिक धरोहर हैं जो लोगों को आए दिन अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। तो अभी हम मकबरे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और लोगों की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग आए दिन जो है आते जाते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम मकबरे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही शांतिप्रिय और बहुत ही अच्छा। प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह स्थान अनायास लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है और अक्सर यहाँ पर लोग घूमते टहलते नज़र आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर बने रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक दार्शनिक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सामने आपको मकबरा दिख रहा होगा दोस्तों, ये खुसरूबाग का मकबरा है। और ये सामने आप मकबरा देख रहे हैं, कितना अच्छा व्यू है, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और इसके इतिहास के बारे में अगर बात करें तो जगह जगह पर यहाँ पर शिलाओं में लिखा गया है कि ये देख सकते हैं इधर ये लिखा गया है निसार बेगम का मकबरा। निसार बेगम खुसरू की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरू के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था। यह मकबरा अभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे का आंतरिक भाग को पुष्प मेहराब, सनोवर की वृक्ष एवं तारों को वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया है, ये देख सकते हैं। और इधर ये खुसरो का मकबरा, उनके बारे में लिखा गया है। खुसरो का मकबरा, खुसरो 1587-1622 जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवादित व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में अकबर बुरी तरह बीमार पड़े, तब खुसरो के साथियों ने
उनके ससुर मिर्जा अजीज कोका और उनके मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर की गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया। अपने भाई खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, की देखरेख में बंदी रहते हुए 1622 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरो बाग में ही उनकी मां के मकबरे के बगल में दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। मेहराबदार दीवारों वाली यह इमारत अष्टकोणी आकार की संरचना पर बने स्तंभ पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है, जिनके कोनों पर बनी छोटी छतरियां बनी हैं। इस कक्ष के भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के वृक्षों की डिजाइन से सजे हैं। गुंबद पर वृत्त और तारों का ज्यामितीय शैली में चित्रण किया गया है, जो एतमाद उद दौला के मकबरे में बनी शैली से काफ़ी समानता रखता है। तो ये देख सकते हैं कि इस जगह, जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, खुसरो बाग, इस खुसरो बाग से जुड़ी तमाम ऐतिहासिक जो बातें हैं वो यहाँ पर शिलाओं पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं, ताकि यहाँ पर आने जाने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनको सरलता मिले और वो जान सकें इस जगह के महत्व के बारे में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़कर आपको दिखाएंगे कि और क्या क्या यहाँ पर ऐतिहासिक गतिविधियाँ हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम लेकर चलते हैं सीधा अंदर। और आप देख सकते हैं इधर ये मकबरा है, तो अभी हम चलते हैं सीधा मकबरे की तरफ और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से अब हम प्रवेश करेंगे और फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं उस मकबरे के पास, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही हमने शिलाओं पर लिखे लेख को पढ़कर हमने आपको बताया। तो ये है दोस्तों वो जगह। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं खुसरो बाग से संबंधित पत्थर की सुंदर शिलाओं पर जो है यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, शाह बेगम का मकबरा। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें उनकी पहली पत्नी मानबाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी, इसी कारण इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा है। मानबाई आमेर के राजा भगवत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। 1584 ईस्वी में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1587 ईस्वी में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया। सलीम मुगल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाह बेगम ने 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है, जिसे बाद में खुसरो बाग के नाम से जाना जाने लगा। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का रजा ने 1606 से 1607 ईस्वी के बीच तैयार किया था। यह तीन मंजिला इमारत है। इसकी छत स्तंभों पर खड़ी है, जिसके ऊपर एक बड़ी छतरी है। इसके ठीक नीचे शाह बेगम की कब्र स्थित है। मकबरे का उत्कीर्ण अभिलेखों जहांगीर के प्रसिद्ध लेखाकार मीर अब्दुल मुस्किन कलाम द्वारा बेल बूटो जैसे दिखने वाले अरबी लेख से सजा है।
और अब दोस्तों जो ये सामने आप मकबरा देख रहे हैं, ये निसार बेगम का मकबरा है। निसार बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग को पुष्प मेहराब, सनोवर के वृक्ष एवं तारों को वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये निसार बेगम का मकबरा है जो अनायास मन को आकर्षित करता है। ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों। ऐसा दृश्य सिर्फ अभी तक की कल्पना मात्र बना हुआ था, जैसा कि यहाँ पर ना पहुँचने से पहले तक, लेकिन आज वास्तव में नज़दीक से देखने के बाद एहसास होता है कि हाँ, उस समय का जो इतिहास था और उस समय जो शिल्पकारों की संरचना थी कितनी आकर्षक, कितनी सुंदर और कितनी बेहतरीन थी। तो आप देख सकते हैं कि 1624 और 1625 ईस्वी में बना ये निसार बेगम का मकबरा है। ये जो सामने आप मकबरा देख रहे हैं, ये खुसरो का मकबरा है दोस्तों, जिसको खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। ये इतना सुंदर और विशाल का है जो सामने मकबरा आप देख सकते हैं, कितना सुंदर, कितना आकर्षक, क्या कलाकारी थी दोस्तों उस वक्त की। और जो उस वक्त के कलाकार थे उनकी शिल्प कलाओं में कितना दम था, वो आज आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर और कितना आकर्षक बनाया गया है। और ये खुसरो का मकबरा है दोस्तों। खुसरो 1587-1622 जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्ति के कारण जनता में लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े, तब खुसरो के साथियों ने उसके ससुर मिर्जा अजीज का कोका और उनके मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर की गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया। अपने भाई खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, की देख रेख में बंदी रहते हुए 1622 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरो बाग में ही उनकी माँ के मकबरे के बगल में दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। संरचना पर बने स्तंभों पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है, जिसके कोनों पर छोटी छतरियां बनी हैं। इस कक्ष के भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के वृक्षों की डिजाइन से सजे हैं। गुंबद पर वृत्त और तारों का ज्यामितीय शैली में चित्रण किया गया है, जो एतमादुद्दौला की मकबरे में बनी शैली से काफ़ी समानता रखता है। इस सामने जो मकबरा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये शाह बेगम का मकबरा है। इसी मकबरे में शाह बेगम को दफनाया गया था, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, तीनों मकबरे एक साथ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मकबरा जो आप देख रहे हैं, ये शाह बेगम का मकबरा है, और जस्ट उसके आगे बीच में निसार बेगम का मकबरा है, और निसार बेगम के जस्ट बगल में आप उधर देख सकते हैं वो खुसरो का मकबरा है, जिसको कि खुसरो की बहन निसार बेगम ने बनवाया था। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि तीनों मकबरे हम एक साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है ऐतिहासिक धरोहर खुसरो बाग की, और यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। और इस बाग में अमरूद की बहुत बड़ी बगीचा है दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, और इसको जो है लोग खुसरो बाग के नाम से जो जानते हैं। तो ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते हैं अमरूद की बहुत बड़ी बगीचा है।
यहीं पर दोस्तों खुसरू बाग में ही फलदार एवं शोभाकार पौधों की विक्रय मूल्य सूची यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पौधशाला भी है और यहाँ पर कई तरह के वृक्ष आपको मिल जाएंगे। ये है, आप देख सकते हैं, राजकीय पौधशाला हाउस नंबर 2, 650 वर्ग मीटर में बना हुआ, और इसके अंदर तमाम तरह के वृक्ष इधर आपको मिल जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं दूसरे छोर में दोस्तों, और ये दूसरी गली है। आप देख रहे हैं इस पार्क की सुंदरता और यहाँ की सज्जा सजावट का अवलोकन एक बार कीजिए। कितना सुंदर, कितना मनोहर पार्क है ये। प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह स्थान अक्सर लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि हमने बताया कि इस वक्त हम प्रयागराज के खुसरू बाग में, क्या आप देख सकते हैं। और यहाँ से चलते हुए दोस्तों हम फिर से आ गए हैं उस गली में, जिस गली से गुजर कर हम गए थे और आपको हमने मकबरे का अवलोकन करवाया था। तो इस तरह से हमने आज आपको दिखाया दोस्तों प्रयागराज स्थित खुसरू बाग का नज़ारा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई होगी, और आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो प्रयागराज जंक्शन के जस्ट बगल में स्थित है खुसरू बाग। खुसरू बाग की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इतिहास से जुड़ी बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं जो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर आकर एक बार देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली खबरों में हम फिर मिलते हैं आपके साथ।